विधवा महिला के साथ हुई छेड़छाड़ व मारपीट करने वाले वर्ग विशेष के आरोपियों को संरक्षण देने के विरोध में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के भेदभाव एवं पक्षपातपूर्ण रवैये को लेकर सोमवार को थाने के सामने जमकर नारेबाजी करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने व विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दूसरे थानों से भी पुलिस फोर्स मंगवाया। इस दौरान थाना प्रभारी संजय शर्मा एवं तहसीलदार बजरंग बहादुर के साथ कार्यकर्ताओं की तीखी नोकझोंक भी हुई। कार्यकर्ता रविवार को नगर में हुई दुर्घटना के विरोध में थाना में एकत्रित हुए थे, जिसमें एक विधवा महिला के साथ छेड़छाड़ मारपीट का मामला था तो दूसरा जन्मदिन के अवसर पर गाड़ी से कट दिखाने व गाली गलौज कर धमकाने का मामला था। दोनों ही मामलों में पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही नहीं करने पर कार्यकर्ता थाना परिसर में एकत्रित हुए। तहसीलदार बजरंग बहादुर द्वारा उक्त मामलों में कार्यवाही का आश्वासन दिया गया, तब जाकर कहीं कार्यकर्ताओं ने धरना समाप्त किया। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता सोमवार को दोपहर में अंबेडकर चौराहे पर एकत्रित हुए, जहां से थाने पहुंचे। थाने में उन्होंने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए व आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। बेटमा पुलिस ने मंत्री नगर वाले जन्मदिन विवाद में तबरेज रिजवान, जफर अकरम शाह व मोनू जागीरदार के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है व 2 लोग फरार हैं। तो वहीं महिला के साथ छेड़छाड़ मारपीट में कयूम शाह, बबलू अकील तथा रुबीना के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। मैं रहती हूं, मेरे हस्बैंड नहीं, 7 साल हो गए एक्सपायर हो गए, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। रात को इन लोग ने मेरे साथ मारपीट की गई और मेरे शरीर को भी छुआ। इसके बाद मेरे कपड़े फाड़े गए और आड़े दिन मुझे धमकी दी जाती है कि रहना तो मोहल्ले में ढंग से रहे और नहीं तो तेको उठवा देंगे, और मेरे बच्चे को जान से मारने की धमकी दी जाती है आड़े दिन। 2 साल से मेरे को रेगुलर ये लेडीज़ और ये उनके आदमी वो दोनों मुझे परेशान करे जा रहे हैं आड़े दिन से। ये कयूम शाह, बबलू शाह, उनकी पत्नी अकीला और रुबीना उनकी बेटी और सलमा, ये 4-5 लोग हैं। ये लोग आड़े दिन मुझे परेशान करते रहते हैं और मैं तो दिन भर कंपनी में चले जाती हूँ, जॉब करती हूँ, पर मेरे यहाँ आके मेरे बच्चों को भी गाली गलौज करते हैं छोटी छोटी सी बातों को लेके। क्या कल कंप्लेंट भी मैंने इसकी की पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पे कंप्लेंट भी की गई और उनको यहाँ पे बुलाया भी गया। इसके बाद वो लोग क्या कहते हैं, बोले ये इंसान तो शरीफ है, इसकी कोई गलती नहीं, तो हम इसको पहचानते हैं। यहाँ ये जवाब मिलता है उनको और बढ़ावा देते हैं ये लोग। क्या ऐसे क्या गए, बोले ये लोग शरीफ है, इन लोग ने ऐसा नहीं किया। मैं जब यहाँ एफ आर आर करने आई तो मुझे ये जवाब मिला गया यहाँ से। किनके द्वारा जवाब दिया गया ऐसा? यहाँ पे पुलिस वाले थे और एक और भी कोई व्यक्ति था, मैं उन्हें नहीं जानती। क्या उन लोग ने मुझे ऐसा बोला और बोले, और मुझे क्या बोले, बोले अब यहाँ पे गाड़ी घोड़े नहीं खड़े करना तुम इनके घर के सामने, तो क्या इनकी बाप की जगह है तो सरकारी जगह ना वो। इसके पूर्व में आपने कभी शिकायत की थी इससे? सर मैं क्या शिकायत करती, बताओ मुझे धमकी इतनी। एक बार बीच में भी मैंने इनके खिलाफ करने की कोशिश की मेरे घर आके, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं है तो मैं डर के मारे घर पे बैठ गई। पर जब मैंने कल ऑप्शन उठाया तो मुझे यहाँ ये जवाब मिला गया और यहाँ एफ आई आर कर ली, उन लोग को छोड़ दिया गया। आपके घर में घुस के मारा उन्होंने? मेरे घर में घुस के मारा गया, मेरे पास वीडियो है उन लोग के, मैं आपको वीडियो बता सकती हूँ, वीडियो है। और मेरा बच्चा वीडियो बनाने गया तो उसे भी मारा, मेरी बेटी 10 साल की उसको मारा, 2 बच्चे के साथ मैं रहती हूँ। मैं सभी लोग एक ही समुदाय के? हाँ एक ही समुदाय, पूरे एक ही परिवार के, कोई अलग अलग नहीं है। विशेष लोगों के खिलाफ कुछ लोग आज चक्का जाम किया था, हम लोगों ने पुलिस द्वारा कार्रवाई की मांग को लेकर, और इनकी शिकायत थी कि पुलिस के द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है और आरोपी जो है हमको धमका रहे हैं और हमने असुरक्षा की बात की। तो हमने जो है यहाँ, चूँकि और दूसरे थानों से भी पुलिस बल आ गया था और संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और जो कानून के अनुसार कार्रवाई भी की जा रही है और प्रशासन भी इस समय बिल्कुल किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों को सख्ती से निपटना चाहता है और इस संबंध में हमने लोगों को आगाह भी किया। सर धर्म जागरण मंच, जी हाँ, देखिए जो भारतीय दंड संहिता के अपराधों में तो जो जुडिशियरी को फैसला लेना होता है जमानत पर दिया छोड़ा जाए या ना छोड़ा जाए, लेकिन यदि प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाती है तो उस पर निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर हम कठिन से कठिन कार्रवाई करेंगे
और त्यौहार का समय है, किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक सद्भाव ना बिगड़े, ये प्रशासन की प्राथमिकता है। सर लोगों ने शिकायत किया था और संबंधित महिला ने भी आकर यहाँ शिकायत किया है, तो बिल्कुल कार्रवाई की जा रही है और जो महिला जैसी चाह रही है वैसा उनके साथ जो न्याय किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। आज का घटनाक्रम कल की एक दो बच्चों की मोटरसाइकिल कट को लेकर उससे संबंधित है। कल उन्होंने आके रिपोर्ट की थी, उसी संदर्भ में आज उन्होंने आके अपने एक संशोधित बयान दिया है जिसमें और घटना पर विषय में अवगत कराया है, जिसके अनुसार धाराएं बढ़ा के उस हिसाब से कार्रवाई की जाए। सर कल दो घटनाएं हुई थी जिसमें व्यक्ति विशेष के ऊपर मामले दर्ज करने की मांग की गई है। दो लोगों के ऑलरेडी दो प्रकरण कल ही दर्ज कर लिए। सर महिला का यह कहना है कि कल की जो घटना है उसमें पुलिस ने लापरवाही बरती है। नहीं, तत्काल मुलजिम को ले आया गया था, चार मुलजिम तत्काल राउंड अप कर लिए गए। सर बताया जा रहा है हिंदू जागरण मंच ने भी काफ़ी यहाँ पर उत्पात और धरना प्रदर्शन किया और गिरफ्तारी को लेकर भी मांग की गई और पुलिस के लिए नारेबाजी भी की गई है पुलिस के खिलाफ। नारेबाजी की, गिरफ्तारी की मांग को लेकर उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। सर आरोपियों के नाम स्पष्ट हो पाए? हाँ, नाम उसमें हुए है, तबरेज है, रविश है, फिरोज है और अन्य तीन चार आदमी और है, मोनू है। सर बताया जा रहा है इनको सर राजनीतिक संरक्षण है? नहीं, कोई ऐसा हमारे इसमें नहीं आया। सर इन पे धाराएं क्या क्या लगी? अब वो कल जो धारा लगी थी उसमें जो बढ़ा के अभी जो देखे गए उसके हिसाब से धाराएं बढ़ा के फिर लगाया। सर आपका नाम और पता? संजय शर्मा।